दोस्तों बिग बॉस ओटीटी के घर के अंदर हमेशा मेकर्स जो है वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी न किसी तरीके से, चाहे फिर वो सलमान खान से करवाए, चाहे फिर वो पूजा भट्ट से करवाए, लेकिन मनीषा रानी को अक्सर टारगेट करवाते हैं। लेकिन दोस्तों अब जनता ने मेकर्स के मुंह पर एक ऐसा तमाचा मारा है जिसका दर्द मेकर्स कभी भुला नहीं पाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि दोस्तों हाल ही में जियो सिनेमा ने जनता से ये सवाल किया, एक पोल रखी थी कि हु इज़ द रियल हीरोइन ऑफ बिग बॉस हाउस। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया था कि असली हीरोइन घर की कौन है। इस दौरान उन्होंने जनता के लिए चार ऑप्शन दिए थे, जिसमें पहला ऑप्शन उन्होंने अपनी फेवरेट जिया शंकर का दिया था, दूसरी अपनी फेवरेट यानी कि पूजा भट्ट के लिए दिया था, तीसरा ऑप्शन मनीषा रानी के लिए दिया था और चौथा ऑप्शन बेबिका के लिए दिया था। इस दौरान दोस्तों जनता ने कुछ ही मिनटों के अंदर यहाँ पर 70% जो वोट है वो यहाँ पर मनीषा रानी को दे दिए। जी हाँ दोस्तों, मनीषा रानी को जनता इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, जबकि मेकर्स हर हफ्ते किसी न किसी बहाने मनीषा रानी को टारगेट करते हैं। और जनता ने बता दिया है कि आप कितना भी टारगेट क्यों ना करो, हमारे दिलों में बस चुकी है मनीषा रानी। और दोस्तों जिस तरीके से मनीषा को सपोर्ट मिला है, इकलौती मनीषा रानी 70% से भी ज़्यादा वोट अपने नाम कर चुकी है, जबकि जिया शंकर को मात्र 27% वोट हासिल हुए हैं, जबकि पूजा भट्ट को मात्र 1.2% वोट। जी हाँ दोस्तों, पूजा भट्ट बिग बॉस की फेवरेट, जिनको 1% वोट हासिल हुआ है। और सुनने में आया है कि 1% जो वोट मिला है ये भी यहाँ से नहीं बल्कि युगांडा की पब्लिक देख रही है, जिनको कि यहाँ बिग बॉस घंटा समझ में नहीं आता है, उन्होंने दिया है। वहीं दोस्तों बेबिका जो कि घर की सबसे बड़ी विलन है, उसको यहाँ पर जनता ने घंटा दिया है। जी हाँ दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यहाँ पर बेबिका को 0.7% वोट मिले हैं मात्र। जी हाँ दोस्तों, 1% भी वोट की हकदार नहीं बन पाई। कुल मिलाकर यहाँ पर बिग बॉस के मेकर्स की काफी गंदी फजीती हुई है खुद की पोल में ही। फिलहाल आपको कैसा लगा दोस्तों जनता का ये फैसला, हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप भी दिल से मनीषा रानी को सपोर्ट करते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।